ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जब हम आत्माभिमानी बनते हैं, हमारे अंदर सारे गुण और शक्ति अपने आप आते हैं। गुणों का कभी पुरुषार्थ नहीं किया जाता है, फलों का पुरुषार्थ नहीं किया जाता है। बीज बोएंगे उसको फल अपने आप लगेंगे। कई भाई बहन कहते हैं मुझे सहन ही नहीं होता। अगर सहन नहीं होता इसका मतलब अपने आत्माभिमानी का पुरुषार्थ नहीं किया। सहन, आत्माभिमानी बनो, आपके सहन शक्ति, नम्रता, धैर्यता सारे फल लगेंगे। जो आत्माभिमानी हैं कहीं भी आकर्षित नहीं होंगे। सत्यों के देवी देवता खुश इसीलिए नहीं कि सोने के महल मिले हैं, इसीलिए वो क्यों खुश हैं, क्योंकि वो आत्माभिमानी हैं। आत्माभिमानी वालों को अति इंद्रिय सुख मिलता है, इंद्रियों से भी परे सुख मिलता है। इसीलिए मैं आत्मा हूं ये पाठ पक्का करना है। आत्माभिमानी वालों को विनाश का डर नहीं लगेगा। आत्माभिमानी अर्थात ये वे रेडी, परमधाम जाने के लिए कौन कौन तैयार है? डर लग रहा है, ऐसा ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब सब तैयार नहीं हुए। वही तैयार है जो आत्माभिमानी है। आत्माभिमानी अर्थात एवर रेडी,